से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय मैं जल्दी से 10 बातें बताऊंगी और मैं उन पर प्रचार नहीं करने वाली हूं, मैं कुछ टिप्पणी करूंगी। विनम्रता की 10 विशेषताएं। विनम्र मनुष्य जरूरत पड़ने पर मदद मांगेगा। घमंडी मनुष्य सब कुछ अपने आप ही करना चाहता है और अपने ढंग से करता है। घमंडी मनुष्य यद्यपि मजबूरी से लोगों की मदद स्वीकार करता है, तब भी सब कुछ अपने तरीके से ही करना चाहता है। यदि उसकी इच्छा अनुसार न हो तो वो कह देता है कि वो उनसे खुश नहीं है। घमंडी मनुष्य किसी दूसरे को कभी उनकी रचनात्मकता को विशेष ढंग से पेश करने का अवसर नहीं देता। मुझे भी अपने जीवन में ये सीखना पड़ा, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो आरंभ में मुझ में ये विचार था कि मैं ही बॉस हूं, मैं जो कहती हूं करो। शायद आप इसे मान ले, परंतु वास्तव में कोई इस तरह से किसी के लिए काम करना नहीं चाहता। लोग कुछ आजादी और स्वतंत्रता चाहते हैं। ये बात मुख्य नहीं कि वहां कोई कैसे पहुंचता है, वहां पहुंचना मुख्य है। आमीन। मेरी एक सहेली थी जो मेरे पास बैठा करती थी जब मैं स्त्री किया करती थी, और वो उन लोगों में से थी जो अपने ही ढंग से आपसे कार्य करवाना चाहते हैं। उसने कहा, आप इस तरह से स्त्री क्यों कर रही है? मैंने कहा कि इसका क्या मतलब है कि इस तरह से क्यों कर रही हूं? मैं हमेशा कॉलर से शुरू करती थी, वो हमेशा नीचे से शुरू करती थी। वो सोचती कि मुझे भी उसकी तरह कॉलर से नहीं बल्कि नीचे से इस्त्री करनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है, इतना काफी है कि कपड़े में से झुर्रियां हट जाए और पहने लायक हो। और ये कुछ ऐसा है जैसे कि हम दूसरों को देखकर पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं? शायद इसलिए कि मैं आपसे कुछ भिन्न हूं। आमीन। आप इसे क्यों पसंद करते हैं? इसलिए कि मैं अलग हूं और मेरी इच्छाएं आपसे कुछ भिन्न है। आमीन। ओ, ये तो आपकी एक्टिंग से भी बेहतर है। और अंततः जब शाऊल ने दाऊद को गोलियत से लड़ने की अनुमति दी, तब उसने उसे अपना अस्त्र पहनाया। हम भी अक्सर ऐसे ही हैं। ऐसा है कि अंततः हम दूसरों को हमारी मदद करने का अवसर देते हैं, आप ऐसा कर सकते परंतु मेरे ढंग से होगा। अपने बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप जो चाहते उन्हें वही करने पर मजबूर मत कीजिए। आपके अधूरे सपनों और दर्शनों को अपने बच्चों द्वारा पूरा करने का प्रयास मत कीजिए। यदि आप खेल में रुचि लेते हैं और आपका बेटा संगीत में, तो उसे वैसा ही करने दीजिए। दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर किए जाने वालों का जीवन कितना अव्यवस्थित हो जाता है। कई बार वे दूसरों के बारे में सोचते तक नहीं, और ये स्वार्थ परता है। मुझे उम्मीद थी कि आप इसे कर देंगे, मुझे उम्मीद थी कि आपने वैसा किया होता। अपने बच्चों के द्वारा अपने जीवन को पुनर्जीवित करने का प्रयास मत कीजिए। उन्हें आजादी दीजिए। पाप और बुरे कर्म करने की आजादी नहीं, वरन उन्हें जो कुछ करने की इच्छा है या उनका जो लक्ष्य है उसे करने की आजादी। बाइबल कहती कि उन्हें उनकी क्षमता, वरदान और व्यक्तित्व के आधार पर सही मार्ग पर चलना सिखाइए। अभिभावकों के नाते हमें ये देखना है कि प्रभु ने हमारे बच्चों में क्या खूबियां रखी हैं, और उसे पूरा करने में प्रभु के संग कार्य करना चाहिए। हमारी इच्छा अनुसार न करने पर हम उन पर नाराज नहीं हो सकते। आमीन। अरे हाँ, जैसा भी हो। जानते, कुछ छोटी मोटी बातों को अपनाने से हमारा जीवन कितना सहज हो सकता है। बस आराम से, अधिक तनावग्रस्त हुए बिना रही। आशा है प्रवचन के बाद भी आप मुझे प्रेम रखेंगे। नंबर 2, विनम्र स्त्री और पुरुष उचित संदर्भों में उचित लोगों को श्रेय देते हैं।
उनके द्वारा प्रभु जो कार्य पूरा करता है उस भलाई के लिए वे प्रभु की महिमा करने में तीव्र होते हैं, और जब किसी कार्य को करने में दूसरा कोई उनकी मदद करता है तो वे उनकी सफलता का श्रेय उन्हें देकर उनका धन्यवाद करते हैं। हठी घमंडी लोग अपना काम पूरा करने के लिए दूसरों की मदद लेते हैं और कभी भी किसी को ये नहीं बताते कि उन लोगों की मदद से ही वे सफल हुए हैं। विनम्री क्षमा करने में तीव्र, बुरा मानने में मंद और प्रभु पर भरोसा रखकर प्रतीक्षा करने में खुश होते हैं। दोबारा सुनिए, विनम्र मनुष्य क्षमा करने में तीव्र, बुरा मानने में मंद, वे शीघ्र ही नाराज नहीं होते क्योंकि उनका जीवन सिर्फ उनके लिए नहीं होता। वे प्रतीक्षा करते कि प्रभु उनके लिए पलटा ले। नंबर 4, विनम्र मनुष्य दूसरों की कमजोरियों के प्रति सहनशील और संवेदनशील होता है क्योंकि वो जानता है कि वे परमेश्वर के अनुग्रह से ही जी रहे हैं। निकालिए गलतियों 6। मेरे विचार से आजकल अनेक लोग चाहते हैं कि कोई उन पर दया दिखाए। वे चाहते हैं कि जहां भी वे हों उन्हें स्वीकारा जाए। अधिकांश लोग हर दिन जितना बढ़िया उनसे किया जा सके करते हैं, सचमुच करते हैं। अधिकांश लोग जितना उत्तम कार्य करना जानते उतना हर दिन करते हैं। हमें एक दूसरे पर दबाव डालना बंद करना चाहिए और दूसरों को थोड़ा अवकाश देना चाहिए। आमीन। तो हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य, मैं गलतियों 6:1 में हूं, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, और हां हम जानते कि वे हम ही हैं। देखिए, इसे पढ़कर हम सोचते हैं कि ये तो मेरे लिए ही है। तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे अपराधी को संभालो, लेकिन तुम साथ में अपनी भी चौकसी करो कि कहीं तुम भी परीक्षा में ना पड़ जाओ। और अब वचन 2 पर ध्यान दीजिए, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो, जो कि प्रेम की व्यवस्था है। वचन 3, यदि कोई व्यक्ति कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो स्वयं को धोखा देता है। दोबारा देखिए, यदि कोई व्यक्ति कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो स्वयं को धोखा देता है। आमीन। विनम्र मनुष्य शांति प्रिय होते हैं। वे शांति स्थापक और उसे बनाए रखने वाले होते हैं। वे शांति बनाए रखने के लिए स्वयं आगे बढ़ते हैं। और सच मानिए, यदि आप शांति बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसे अवसर अवश्य आएंगे जब आपको अपना घमंड दबाए रखना होगा। ऐसा भी समय आएगा जब आपको मुंह बंद रखना होगा और जब अंतिम शब्द कहने की इच्छा रखते हुए भी अपनी जुबान आपको बंद रखनी होगी। ऐसा भी समय रहेगा जब आपको कहना होगा, अच्छा प्रभु, यदि मैं सही हूं और यदि मुझे सच्चाई पर अड़े रहना जरूरी है तो फिर मैं इसे तुम पर छोड़ देती हूं, लेकिन चुप रहने का अनुग्रह मुझे दे। मुझे हमेशा प्रार्थना करते रहना होगा, प्रभु चुप रहने में मेरी मदद कर, क्योंकि हम ऐसी बहुत सी बातें कह देते हैं जो कि संपूर्ण घमंड से भरी होती हैं। भला मैं करती, भला मैं नहीं करती, यदि मैं होती तो बुड़ी 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 बुड़ी। एक बार मैं और देव हमारे घर से बाहर निकलते हुए हमारे बगल में रहने वाले के बारे में बातें करते थे जिसका नाम तक हम नहीं जानते थे। हम जानते थे कि वह अविवाहित था और उसका अपना घर था जिसे उसने किसी निवेश कार्य हेतु खरीदा था। डेव और मैं इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उसने अपना धन मकान के बदले और किस निवेश कार्य में लगाया होगा, और यदि मैं उसके स्थान पर होती तो मैं एक मकान खरीदती क्योंकि, और यदि मैं उसके स्थान पर होती तो मैं उन पैसों से ये करती और वो करती। और बातें करते हुए हम सड़क के अंत तक पहुंचे और ऐसा था मानो पवित्र आत्मा हमें एहसास दिला रहा था कि हम उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में तथा उसके धन के प्रयोग के बारे में चर्चा कर रहे, और यहां तक कि हम उसका नाम भी नहीं जानते। विनम्री दूसरों की सेवा करता है। वो इस विचार से जीता है कि स्वयं धन्य होने से बढ़कर वो दूसरों को धन्य करे। निकालिए योहन्ना 13 और इसे पढ़कर खुद से पूछिए, आपने इससे पहले कब किसी का पैर धोया था? ये संपूर्ण विषय सिर्फ बर्तन भर पानी में किसी का पैर धोने के बारे में नहीं है, ये दूसरों के लिए अनिच्छुक कार्य करने का सिद्धांत है।
यीशु ने उनका हाथ क्यों नहीं धोया? एक गंदे पैर धोने की अपेक्षा मैं गंदा हाथ धो सकती हूं, है ना? पैर तो वैसे भी गंदे ही होते, मैल भरे होने की बात छोड़िए, हम में से अनेक ऐसा ही सोचते हैं। यूहन्ना 13 के इस वचन को कितने लोग समझते हैं, उसने सेवक का अंगोछा लिया, उसने खुद को दीन किया, उसने शिष्यों की मैले पैरों को धोया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय प्रभु ने अंगोछा लेकर नीचे झुककर उनके पैरों को धोया। उसने कहा, मैं तुम्हारा आदर्श बनता हूं ताकि तुम भी मेरा अनुसरण कर सको। जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुम भी वही करना जो मैंने किया। और आगे वचन 17 को देखिए, तुम तो ये बातें जानते हो, यदि तुम उन पर चलो तो तुम धन्य हो। जानते, कुछ लोग धन्य क्यों नहीं है, वे कभी दूसरों का पैर धोना नहीं चाहते। जानते आपको क्या करना है, आपको विनम्रता को अपनाना है। जानबूझकर आप दूसरों के लिए ऐसा कुछ कीजिए जो वास्तव में आपको अप्रिय लगे। बस इतना याद रखिए कि आपके अंदर ये घमंडी विचार न आए कि आप खुद को दूसरों से भला समझने लगे। मैं आपसे कहती हूँ, आपकी जितनी पदोन्नति होती है उतना ही आपको इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि एक नेता में ये मनोभाव रहे कि दूसरे सभी उसके नीचे हैं और केवल वही बढ़िया कार्य कर सकता है। मैं आपको एक रहस्य बताऊं, विस्तार से सारी बातें बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन प्रभु ये बात मेरे गले तक ले आया, मेरे गले तक ले आया। उसने मुझे ये सिखाया और उसने मुझे उस चक्रव्यूह से होकर जाने दिया, अर्थात मैंने मुश्किल से उसे सीखा। जानते हैं, मैं जो कर रही हूं आप उसे करके ये विचार नहीं रख सकते कि आप दूसरों से अच्छे हैं। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहिए, क्योंकि जो कुछ ऊपर जाता है वो जितनी तेजी से ऊपर गया था उससे भी अधिक तेजी से नीचे आ सकता है। इस सेवकाई का विकास करने में कई साल लगे, परंतु एक दिन में ये नाश हो सकती है। इसी जारी रखने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, परंतु यदि प्रभु हमें सहारा ना दे तो एक महीना भी हम काम नहीं चला सकते। हमें और अधिक श्रद्धा और भक्ति से जीना है। हमें दूसरों के बारे में गपशप करने से डरना है, लोगों से नीच व्यवहार करने से डरना है। हम में और अधिक ईश्वरीय भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है वो उनसे बुरा व्यवहार करना नहीं चाहता। बाइबल कहती है, मेरी ओर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के सेवक के बारे में कुछ कहने से पहले 2 या 3 बार सोचिए। बाइबल कहती, मेरे अभिषिक्त मनुष्य को मत छूना। कभी कभी हमें कुछ बातों पर चर्चा करनी तथा कहने की आवश्यकता होती है, परंतु सावधानी से कहना चाहिए। हमें वही कहना चाहिए जिसे कहना जरूरी है और उसमें आनंदित नहीं होना चाहिए। क्या अभी भी कोई पूर्ण रूप से सहमत हुआ है? लगभग हो चुके हैं। नंबर 7, विनम्र मनुष्य बहुत कृतज्ञ होता है। आप ऐसे मत रहिए कि जब प्रभु आपके लिए कुछ करने लगता है, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह से, तब आरंभ में आप कृतज्ञ रहते हैं और कुछ आगे निकलने पर शीघ्र ही आप दूसरों के प्रति कृतज्ञ होना भूल जाते हैं। अभी आप उनसे और अधिक उम्मीदें रखते हैं। आशीषों को पाकर उनमें मुग्ध होकर उन लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना मत भूलिए। नंबर 8, विनम्र मनुष्य का चेतन मृदु होता है और वो शीघ्र ही मन फिराता है। जब भी वो किसी को ठेस पहुंचाता है वो तुरंत ही जाकर कहता है, मुझे खेद है, कृपया माफ कीजिए। गलती कर देने पर वे तेजी से प्रभु से माफी मांग लेते हैं, उनकी चेतना बड़ी कोमल होती है। नंबर 9, विनम्र मनुष्य अपनी कमजोरियों को आसानी से मान लेता है। मेरी गलतियों के बारे में कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मेरे ख्याल से हमारी कमजोरियों और ताकतों के बारे में कहने पर दूसरों का फायदा होता है। इससे लोगों को हमसे मेल रखने में मदद मिलती है जब हम उन्हें बताते हैं कि हम किस विषय में अच्छे हैं और किस में कमजोर हैं। अंत में एक और बात बताकर एक वचन के साथ इसको समाप्त करूंगी। अंतिम लक्षण है, विनम्र स्त्री या पुरुष परमेश्वर की ताड़ना को खुशी खुशी स्वीकार करता है। वे चाहते कि प्रभु उन्हें सुधारे, चाहते कि प्रभु ने बताए कि उनकी गलती क्या है। मैं 1 कुरिन्थियों 15:10 को पढ़कर समाप्त करना चाहूंगी। मैं इस वचन को अच्छी तरह से जानती हूं, परंतु उस दिन जब मैं इसे पढ़ रही थी मैंने यूं ही कहा, वाह 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 वाह, काश कि मैं इस मनोभाव से जी सकूं।
जैसा मैं हमेशा कहती थी, आज ही प्रवचन आपके लिए नहीं तो मैं भी खुश हूं, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। मैं दृढ़ व्यक्तित्व वाली हूं और मुझे इस तरह की बातें सुनना जरूरी है, क्योंकि हम बड़ी आसानी से गलत दिशा में जाने लगते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:10, धन्यवाद। ध्यान से सुनिए, सुनिए कि पौलुस ने क्या कहा। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ बिल्कुल नहीं हुआ, और मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, परंतु ये मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था, है ना अद्भुत, है ना अनोखा। मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसने कहा, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया और मैंने उसे व्यर्थ नहीं किया, मैंने उस अनुग्रह को पाया और उस पर कठिन परिश्रम किया। समय समय पर हम कठिन परिश्रम की बातें करते हैं और उसका वर्णन भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, मुझे सिर्फ यही करना है कि मैं एक वर्ष का कैलेंडर देखूं, तब मैं जानूंगी कि मेरे बल से मैं उसे नहीं कर सकती थी। यदि प्रभु ने मुझे सहारा नहीं दिया होता और मुझे सशक्त बनाकर मेरे द्वारा कार्य नहीं किया होता तो मैं उसे नहीं कर सकती थी। पौलुस की ये बातें मुझे भाती है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैंने उसका अनुग्रह पाकर कठिन परिश्रम किया, परंतु जैसा भी हो, आपने मुझे जो श्रम करते देखा वास्तव में वो मैं नहीं था, वो तो बस एक प्रकार से मेरे द्वारा परमेश्वर का प्रगटीकरण था। आमीन। मैं आपसे एक सीधा साधा प्रश्न पूछना चाहती हूं। यदि आज आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या आपको इस बात का निश्चय है कि आप स्वर्ग जाएंगे? आप परमेश्वर के कितने निकट हैं? क्या आपने यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता स्वीकारा है? यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आज आप अभी उसे इस कार्यक्रम में ग्रहण कर सकते हैं। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई, वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे लिए लहू बहाया, और इस पर विश्वास करके हम परमेश्वर से अच्छा नाता रख सकते हैं और अनंत जीवन पाने की उम्मीद रख सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपने आप से पूछें कि क्या मुझ में प्रभु की शांति है? क्या मुझे स्वर्ग जाने की निश्चितता है? क्या मुझे माफी मिल गई है? यदि आप कहें, अच्छा जॉयस, मैं इन सभी प्रश्नों के लिए हाँ नहीं कह सकती पर मैं हाँ कहना चाहती हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें इसी क्षण। और याद रखिए, इस प्रार्थना को करने पर आप एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आप अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं और वो खुद को आपके लिए दे रहा है। इसका अर्थ ही नहीं कि आपकी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी, परंतु आपको अपने जीवन में स्वयं किसी चीज से निपटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा और संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यदि आप ये प्रतिज्ञा करना चाहें तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करती हूं। यीशु, मैं तेरा विश्वास करती हूं। मैं विश्वास करती हूं कि तू मेरे लिए मरा, तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया। मैं जानती हूं कि मैं एक पापी हूं और मुझे उसका पछतावा है। मैं बदलना चाहती हूं। यीशु, अभी मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूं। तुझे अपनी धार्मिकता स्वीकार करती हूं। अपने लहू से धोकर मुझे नया मनुष्य बना दे। मेरा विश्वास है कि मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेरा संबंध स्थापित हो गया है। मुझे विश्वास है कि मैं स्वर्ग के पथ पर हूं और जब तक इस पृथ्वी पर रहूं मैं लोगों के लिए आशीष बने रहने का प्रयास करूंगी। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल कहती है कि हम दृश्य से नहीं विश्वास से चलते हैं, अर्थात ये कि हम अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं। प्रार्थना करते समय आपने कुछ अनुभव किया होगा कि आप मुक्त हो गए हैं, या आपका भार उतर गया है, या आपको दूसरा कोई अनुभव हुआ होगा, या फिर आपने बिल्कुल कुछ भी अनुभव नहीं किया होगा। परंतु यदि आपने ईमानदारी से प्रार्थना की होगी तो यीशु आपके अंदर वास करने के लिए आएगा और आपके जीवन को बदलने लगेगा।
परंतु आपको अभी फैसला करना है, आपको मसीह यीशु में एक विश्वासी के रूप में बढ़ना है। आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर है, हम चाहते कि आप हमसे संपर्क करें ताकि हम आपके विकास की प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी दे सकें। साथ ही जिस व्यक्ति से आप बातें करेंगे वो आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देगा और अगर आप चाहें तो आपके लिए उस क्षेत्र में प्रार्थना करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सहभागियों का धन्यवाद देते हैं कि संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।